अजमेर रोड स्थित सनमालिया गांव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से खनन कार्य पाए जाने पर उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह ने क्वार्टर से भरे एक डंपर तथा खनन कार्य में काम में ली जा रही एक जेसीबी मशीन को जब्त कर सदर थाने के सुपुर्द किया। इस दौरान खनन विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाकर अवैध खनन तथा खनन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करवाई गयी। विभाग के अधिकारी अब सरकारी भूमि पर हो रहे खनन की जांच करते हुए प्रशासन को अवगत कराएंगे कि उक्त खनन वैध या अवैध रूप से किया जा रहा है। अगर यह अवैध पाया जाता है तो खान की नियमानुसार नीलामी होगी ताकि सरकार को राजस्व मिल सके। उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम को वे सरमालिया गाँव में कोई मौका देखने जा रहे थे। इस दौरान उन्हें सरमालिया गांव के समीप एक सरकारी भूमि एक जेसीबी मशीन से खनन किया जा रहा था और मौके पर पत्थरों से भरा एक डंपर खड़ा था। मौके पर जाकर देखने पर पाया कि जेसीबी से खनन कार्य किया जा रहा है और खुदाई में निकले क्वार्टर्स पत्थर डंपर में भरे जा रहे थे। मौके पर काम कर रहे मजदूरों से पूछताछ करने पर वे कोई जानकारी नहीं दे पाए। इस पर सदर थाना पुलिस को मौके पर बुलाया गया तथा जेसीबी मशीन तथा पत्थरों से भरे डंपर को जब्त कर सदर थाने भिजवाने की कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान खनन विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाकर इस पर जुर्माने की कार्यवाही करने को कहा गया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि खान विभाग के अधिकारियों को उक्त खान के बारे में जांच करने के निर्देश दिए हैं कि इस बात की जानकारी की जावे कि उक्त माइंस लाइसेंस शुदा है या फिर यहाँ पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। अगर खनन अवैध रूप से किया जा रहा है तो माइंस की नीलामी की जावे ताकि सरकार को राजस्व आय हो सके। जब्त डंपर तथा जेसीबी के खिलाफ खनन विभाग नियमानुसार कार्यवाही करने में जुट गया है। सरकारी भूमि पे एक डंपर और एक जेसीबी मिले, दोनों को हाथों हाथ पकड़ा गया और सदर की एक टीम बुलाई गई। डंपर और जेसीबी, डंपर भरा हुआ था, डंपर में मिनरल्स थे जो कि माइनिंग डिपार्टमेंट ने शायद फेल्डस्पार बताया। दोनों को सदर में लेके गए और एमई माइंस जो अपने ब्यावर क्षेत्र के माइंस के अधिकारी हैं उनको बुलाया गया और उन्होंने उसमें मौके पे नियमानुसार जो कार्रवाई की है अभी वो मुझे एग्जैक्टली बताएंगे कि क्या उसने आगे कार्रवाई की, क्या क्या मिनरल्स थे और अगर वो इलीगल माइन थी वहाँ पे तो इसको आगे सिस्टमेटिकली इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम उस माइन को नियमानुसार ऑक्शन में कर देंगे ताकि जो भी प्रवक्ता है जो अपना माइनिंग करना चाहता है वो सरकार को रेट दे और फिर उसमें आगे अपनी माइनिंग। खुशी केक एंड पेस्ट्री, आपके बर्थडे पार्टी व यादगार उत्सवों के लिए प्राकृतिक रंगों से बनी एगलेस केक, लव केक, स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट केक, रेड वेलवेट केक, चीज केक, वॉलनट केक, शुगर फ्री केक और भी केक की अनेक वेराइटियाँ, साथ ही नायाब चॉकलेट व गिफ्ट हैम्पर, बर्थडे डेकोरेशन आइटम और लजीज चॉकलेट पिज्जा, साथ ही लजीज पेटीज, बिस्कुट और टेस्टी शेक और आइसक्रीम के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था। बर्थडे और पार्टी के लिए हॉल की बेहतर सुविधा के साथ तो आज ही चले आए खुशी केक एंड पेस्ट्री, अरिहन कॉम्प्लेक्स के पास, कॉलेज रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 8890103504।